अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 22 अगस्त 2022 है। तहरीके आज़ादी पाकिस्तान के एक अजीम कौमी हीरो, हकीकी हीरो, उसकी बरसी का दिन है। जी हाँ, हमारे बहुत सारे हीरोज ऐसे हैं जिन्हें गुम करने की कोशिश की गई है। कुछ गुम हो चुके हैं, कुछ गुमनाम, लेकिन कुछ कोशिश के बावजूद भी गुमनाम नहीं हो सके। आज जिस अजीम कौमी हीरो, तहरीके आजादी के कौमी हीरो का हम जिक्र कर रहे हैं, आज उसकी बरसी है, 78वीं बरसी, 87। इमाम इनकलाब हजरत मौलाना उबैदुल्ला सिंधी रहमतुल्लाह अलैह की बरसी के मौके पर मौलाना उबैदुल्ला सिंधी थैंकर फोरम्स खानपुर जिला रहीमयार खान ने उनकी यादगार के हवाले से एक वीडियो भी शेयर की है, जो हम आपको शेयर करेंगे, आपके साथ देखेंगे मिल बैठ के। उसमें तस्वीरें हैं, किताबों के हवाले हैं। ये तस्वीरें नाजरीन, वो लफ्ज़ सुना है ना आपने, तस्वीरें बोलती हैं। जी हाँ, तस्वीरें बोलती हैं। आप जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको बोलती हुई तस्वीरें, बहुत कुछ कहती हुई तस्वीरें, तहरीक आजादी पाकिस्तान के अजीम हीरो मौलाना उबैदुल्ला सिंधी की तस्वीरें बहुत कुछ कहती नजर आएंगी। हम सबको मिलकर अपने कौमी हीरोज, उन कौमी हीरोज की बात कर रहा हूं जिन्हें गुम करने की दानिस्ता या गैर दानिस्ता कोशिश की गई है, उनके ख्यालात, उनकी शख्सियत, उनके अफकार, उनका जो करैक्टर है, तारीखी करैक्टर, उसे उजागर करने की, उसे फैलाने की, उनके पैगाम को बहुत जरूरत है। आजादी के लिए, अपनी नस्लों को गुलामी से बचाने के लिए ये अजहद जरूरी हुआ करता है। अगर हम अपने कौमी हीरोज को, आजादी के हीरोज को, हकीकी हीरोज को बुला देंगे, उनके अफकार, उनके पैगाम की तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो हम, हमारी नस्लें, उन आगे की नस्लें, पता नहीं कितनी नस्लें गुलाम बना दी जाएंगी, हमेशा के लिए गुलाम बना दी जाएंगी।